हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ सुबह ही अपना सारा काम वाम करके, और डॉक्टर के मम्मी को दिखाना था, तो इसलिए टाइम से ही सुबह निकल गई हूँ मैं, क्योंकि मैं जाऊँगी ऑल इंडिया हॉस्पिटल मेडिकल एम्स, क्योंकि वहाँ पे सुबह ही जाओ तो ठीक है, नहीं तो पूरा दिन लग जाता है, बहुत भीड़ रहती है। और ये बस दोस्तों पहुंच गए हम हॉस्पिटल में, और तो इतनी सुविधा है दोस्तों वहाँ पे, इतनी, अगर एक बार आपकी एंट्री वहाँ पे हो जाए तो ये लगा लो दूसरा जन्म ले लेते हैं बंदा। बाहर से हिम्मत हार के पता नहीं कहाँ से दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, और इलाज भी इतना अच्छा होता है वहाँ पे कि कोई हिसाब नहीं है। और जिससे भी बात करो, जिससे भी मिलो, सब यही कहते हैं कि प्राइवेट वालों ने ऑपरेशन बोल दिया था और उम्मीद नहीं थी, और यहाँ पे आके दोस्तों दूसरा जन्म मिल जाता है। और इतनी भीड़ कि बाहर भी, एम्स हॉस्पिटल के बाहर भी इतना बंदे बेचारे नीचे ही लेटे हुए हैं। तो आज मैंने वहाँ पे अपनी सासू माँ का रेगुलर चेकअप के लिए हम लोग जाते हैं, वहाँ पे तो ब्लड टेस्ट वगैरह और कई टेस्ट आज कराने थे, तो वहाँ पे जाओ तो ये लगा लो कि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन ये है कि कहीं भी हिम्मत हार जाओ, आप एक बार एम्स ऑल इंडिया हॉस्पिटल ज़रूर जाओ दोस्तों। अगर पहले तो भगवान ना चाहे कि किसी को परेशानी हो, और अगर परेशानी है तो आप वहाँ पर जाइए और अपना इलाज कराइए। वो कहते हैं ना, भक्ति से शक्ति, तो उस तरीके का है वहाँ पे, भगवान का रूप ही है डॉक्टर, जो एकदम इंसान हारे हुए को एक नई ज़िंदगी दे देता है। तो बस फिर करा के सारा मम्मी का टेस्ट वगैरह, और हम वापसी चल दिए थे। और अभी आपको दिखाऊंगी कि एम्स हॉस्पिटल के बाहर भी कितने लोग बेचारे भूखे प्यासे जैसे दूर दूर से आके बैठे रहते हैं और अपना इलाज कराते हैं एक उम्मीद से, और उनको फल भी मिलता है। तो दोस्तों, फिर आज का रूटीन कुछ इस तरीके से ही था। कल मिलते हैं आप लोगों से। हरे कृष्णा।